ए व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस कैसे हो, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और गाइस इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टिमली सॉन्ग जो हम वीडियो शूट करते हैं और वो किस टाइप से शूट करते हैं और किस टाइप से हम एडिटिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे और ये हमारे भाई लोग हैं इधर और ये हमारे कैमरा मैन हैं जो कि हमारी वीडियो शूट करेंगे। तो फर्स्ट में जो हमारे पास जो ये हमारा स्पीकर है जिसके अंदर हम सॉन्ग चलाते हैं और ये कुछ इस टाइप की लोकेशन है जहाँ पे हम आज शूट करेंगे अपना। तो चलो अब देखते हैं शूट। तो गाइस हमारी शूटिंग तो अभी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस टाइप से एडिट करना है, तो वो हम घर पे चल के बताएंगे। तो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टा पे फॉलो कर लेना, जहाँ मेरी आईडी है आइकोनिक आकाश 47 और जहाँ पे मेरे 28K प्लस सब्सक्राइबर है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। तो आज की वीडियो हम एडिट करेंगे कैपकट ऐप के अंदर जो कि आप फ़ोन में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक VPN अपना जो VPN जो चालू कर लेना है क्योंकि कैपकट ऐप में के अंदर मतलब विदाउट VPN जो अपने वो इफेक्ट और ये सब लोड नहीं होते, इसलिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको VPN कनेक्ट कर लेना है। VPN कनेक्ट करने के बाद आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है और गाइस ये सेम मेथड आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो क्योंकि कैपकट PC और फ़ोन में एक बिल्कुल सिमिलर होता है। तो ये हम एडिटिंग करेंगे कैपकट PC के अंदर, लेकिन आप गाइस इसको देख कर अपने कैपकट फ़ोन के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको कैपकट को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको ये जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो आपने जितने भी वीडियो शूट किए हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐड कर लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं और मैंने एक वीडियो के कम से कम 7 या 8 क्लिप लिए, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और ऐड करने के बाद गाइस अब आप अपना सॉन्ग डाउनलोड करके सॉन्ग भी ऐड कर लेना। तो ये कुछ इस टाइप का ये मेरा सॉन्ग है और गाइस मैं सॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ अपने राहुल भुरिया का भी न्यू सॉन्ग आया है जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत प्ले करके सुना देता हूँ। सॉन्ग तो सुन लिया होगा, अब चलते हैं एडिटिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको अपनी वीडियो ऐड कर लेनी है। वीडियो ऐड करने के बाद गाइस आपको अपनी जो भी क्लिप है अपने बीट के हिसाब से आपको मैच करनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से बीट के हिसाब से मैच करनी है। तो ये हमने अपनी जितने वीडियो आपको सब ऐड कर लेनी है पहले और उसके बाद आपको बीट के हिसाब से मैच कर लेनी है। तो मैं आपको अब एडिट करके बता देता हूँ। अब एक बीट इस जगह पे है तो मैं इसके जो आगे वाला हिस्सा है उसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से अब मैं सेकंड क्लिप ऐड करूँगा जो कि फिर उस क्लिप को मैं फिर से बीट के हिसाब से मैच करूँगा, उसके बाद फिर से आगे वाला ट्रिम कर दूँगा। अब जो कि हमारी फर्स्ट में टून चलती है उसको तो मैं बीट के हिसाब से ऐड करूँगा, पर जो हमारा आता है लिरिक्स वाला उसको हम अपने वीडियो के अकॉर्डिंग मतलब अपने हिसाब से एडिट करेंगे। और अब यहाँ पे मेरे जितने भी वीडियो है उनको मैं अपने लिरिक्स के हिसाब से ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अब सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैंने पूरी वीडियो को ऐड कर दिया है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत अब प्ले करके सुना देता हूँ। और
अब मैं बताऊंगा गाइस आपको इसके अंदर इफेक्ट और ट्रांजिशन किस टाइप से लगाने हैं और कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको ये चेक करना है कि आपके किस जगह वीडियो के अंदर बीट आ रही है। जैसे वीडियो के अंदर बीट आती है ना उस जगह आपको, तो अब या उस जगह ट्रांजिशन भी लगा सकते हो और इफेक्ट भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक बीट आ रही है, वहाँ पे हम ट्रांजिशन लगाएंगे। अभी इस बीट पर मैं आपको एक ट्रांजिशन लगा के बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ट्रांजिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि आपको अपने फ़ोन के अंदर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिलेंगे। अब जैसा कि ये वाला ट्रांजिशन मेरा फेवरेट है, इसको मैं ऐड करके बता देता हूँ, ठीक है। इसको ऐड करता हूँ, अब प्ले करके सुनाता हूँ। और सेकेंड बीट कुछ हमारी इस जगह पर आ रही है, तो अब यहाँ पर भी हम वही ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं। अब मैं आपको पूरा सुना देता हूँ एक बार फुल करके। तो ये कुछ इस टाइप से हम अपने वीडियो के अंदर बीट के हिसाब से ट्रांजेक्शन लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आपको इफेक्ट कैसे लगाने हैं, ठीक है। और इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने सॉन्ग के अंदर बीट को पकड़ना है कि किस जगह हमारा इफेक्ट अच्छा लगेगा और किस बीट के ऊपर जो हमारा इफेक्ट है वो मैच करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इफेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक ऊपर राइट कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे इफेक्ट पैनल दिखेगा। सेम एज इट इज़ आपके फ़ोन के अंदर भी आपको नीचे इफेक्ट वाला दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे गाइस, बॉडी इफेक्ट मिलेंगे, वीडियो इफेक्ट मिलेंगे। अब जैसा कि ये वाला इफेक्ट है, ये जो कि मेरा फेवरेट लाइटिंग इफेक्ट है, मैं आपको थोड़ा बहुत प्ले करके बता दूँ। कुछ इस टाइप की ये लाइटिंग मारता है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत प्ले करता हूँ और ये कुछ इस टाइप की लाइटिंग मारता है ये वाला इफेक्ट। इसको आप अपनी वीडियो में इजीली अप्लाई कर सकते हो और ये वीडियो में अच्छा भी लगता है, ठीक है। और अब मैं गाइस इसको बीट के हिसाब से मैच करके आपको बता देता हूँ ये किस टाइप से लगता है। अब एक बीट इस जगह पर आ रही है और यहाँ पर आपको वो वाला इफेक्ट अप्लाई करना है जो कि मैंने कॉपी कर लिया था, और ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो इस टाइप से आप भी अपने वीडियो के अंदर इफेक्ट और ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं गाइस आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है। और कलर ग्रेडिंग के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़िल्टर मिलते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर अनलिमिटेड फ़िल्टर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक फ़िल्टर अप्लाई करके बताता हूँ। जैसा कि ये फर्स्ट वाला फ़िल्टर है जो कि मेरा एक फेवरेट फ़िल्टर है, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत सेचुरेशन देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का फ़िल्टर लगेगा। और उसके बाद मैं इसकी थोड़ी बहुत सेचुरेशन जो है इसकी कम कर देता हूँ। जैसे इसकी मैं सेचुरेशन 50% कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं अपनी फुल वीडियो के अंदर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन फ़िल्टर गाइस इतना वो सही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया, उसके बाद मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर एडजस्टमेंट का, उसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी एक लेयर ले लेनी है। सेम एज इट इज़ आप अपने फ़ोन के अंदर भी कर सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने अपनी एक लेयर ले ली है, अब इस वाले वीडियो के ऊपर मैं अपनी कलर ग्रेडिंग करके बताऊँगा आपको। अब यहाँ पे आपको एक साइड में एक कलर पैनल दिख जाएगा, जिससे कि फर्स्ट में टेम्परेचर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ह्यू को भी एडजस्ट कर सकते हो। सेचुरेशन बढ़ाओगे तो आपकी वीडियो में सेचुरेशन आ जाएगी। और नीचे आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो और वाइट, ब्लैक, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप अपनी वीडियो को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैं वाइट को बढ़ाऊँगा तो और मेरी वीडियो में वाइटनेस ज़्यादा आ जाएगी। उसके बाद डार्क को भी कम कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको ऑप्शन दिखेगा शार्पनिंग का, इसको इंक्रीज करना ज़रूरी है। उसके बाद एक ऑप्शन है क्लियरिटी, इसको भी इंक्रीज करना ज़रूरी है। पास में एक ऑप्शन है HSL, ठीक है। इसके अंदर गाइस अपनी वीडियो के अंदर जितने भी कलर है आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अगर किसी भी कलर को आपको बढ़ाना है, कम करना है, उसके हाईलाइट सेचुरेशन बढ़ानी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और उसके पास में ऑप्शन है कर्व वाला, जो कि यहाँ पे मेन ऑप्शन है। अब जैसे देख सकते हैं आपसे, मैं ऊपर से इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरी वीडियो के अंदर थोड़ी लाइट बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। इस टाइप से आप कर्व का भी यूज़ कर सकते हो। कुछ इस टाइप से गाइस आप भी अपनी वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। और गाइस मैंने इस वीडियो को इंस्टा पे अपलोड कर दिया, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो कि किस टाइप का एडिट हुआ है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और आपका एडिटिंग के रिलेटेड और भी कुछ डाउट है नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।